प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार दो दिनों तक पूछताछ के बाद पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के सदस्य कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया है। घोष हुगली से टीएमसी की यूथ विंग के सदस्य हैं, जिनके फ्लैट पर ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को मामले के सिलसिले में छापा मारा था। सूत्रों ने बताया कि कुंतल घोष को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोलकाता में ईडी के अधिकारियों ने घोष के चिनार पार्क स्थित अपार्टमेंट में रात भर ली गई तलाशी के बाद शनिवार सुबह उन्हें पहले हिरासत में ले लिया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एवं तृणमूल विधायक मानिक भट्टाचार्य की करीबी तापस मंडल से पूछताछ में कुंतल का नाम सामने आया था। तापस ने दावा किया है कि कुंतल ने 325 उम्मीदवारों की शिक्षक के पद पर गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति करने के लिए उनसे कुल 19 करोड़ रुपए लिए हैं। सीबीआई के अनुसार 2014 और 2021 के बीच पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए टीएमसी नेताओं द्वारा कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई गई थी। बंगाल के निजी संचालित कॉलेजों और संस्थानों के संघ के अध्यक्ष तापस मंडल ने सीबीआई द्वारा पूछताछ के दौरान कुंतल घोष पर नौकरी चाहने वाले से पैसे उगाहने का आरोप लगाया। पिछले साल पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में जांच का सामना कर रहे हैं। पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए विशेष अदालत कोलकाता के समक्ष पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी सहित 8 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। सीबीआई को पिछले साल मई में 2014 और 2021 के बीच पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गैर शिक्षण कर्मचारियों और शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच करने का निर्देश दिया गया था। कथित तौर पर चयन परीक्षा में विफल होने के बाद नौकरी पाने के लिए 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।